नमस्कार दोस्तों, मैं पूजा प्रजापति अहमदाबाद गुजरात से आपके साथ फिर से। मित्रों और मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हाँ साहब जी, चौकीदार साहब, दोस्तों ये भाजपा वाले भी कमाल के है ना। देशभक्ति के सर्टिफिकेट भी तुम बांटो और पाप के लिए जासूसी भी तुम करो, ना सम्मान की बात भी तुम करो और ब्लैकमेल करके आई कार्ड बना के औरतों के साथ बलात्कार भी तुम ही करो और नलिया कांड जैसे मुद्दों को जन्म दो। कश्मीरियों को गद्दार भी तुम बोलो और उनके साथ सरकार भी तुम ही बनाओ। पाप को सबक सिखाने की बात तो तुम करते हो और वहाँ जाकर उनके पैर छूकर बिरयानी खा के आते हो। अमित शाह और केशव के हाथ तो खुद ही खून से सने हैं। हाँ हाँ, अमित शाह और केशव के हाथ तो खुद ही खून से सने हैं और वो कहते हैं हम गुंडागर्दी खत्म करवाएंगे। अरे राजस्थान में मंदिर तोड़वाएंगे लेकिन यूपी में मंदिर जरूर बनवाएंगे। हेलीकॉप्टर में बैठकर साहब जी आप बोलते हो कि मेरे पास तो काम नहीं है। महाराष्ट्र में किसान भले ही रोज आत्महत्या करे कर्ज में डूबा हुआ, लेकिन आप यूपी में आपको वोट लेने के लिए आप बोलेंगे कि मैं यूपी में किसानों का कर्जा माफ कर दूंगा। यूपी ने गोद लिया, पंजाब से आपका खुलता रिश्ता है, बस पत्नी को छोड़कर आपका सबसे साथ रिश्ता है। मुसलमानों को हिंदुओं से लड़वाओगे, मुसलमानों को हिंदुओं से लड़वाओगे लेकिन दामाद तो आप मुस्लिमों को ही बनाओगे। मुस्लिम तीन तलाक बोलकर पत्नी छोड़े तो गलत, लेकिन खुद बिना बोले छोड़ दिया तो वो सही हो गया। मदरसों पर राष्ट्रगान जरूर होना चाहिए, भले आरएसएस वाले अपने कार्यालय तो कभी तिरंगा न फहराए, मदरसों पे राष्ट्रगान जरूर होना चाहिए। भले ही आरएसएस वाले चड्डी गैंग वाले अपने कार्यालय पे कभी तिरंगा न फहराए, महात्मा गांधी तो बनोगे लेकिन कस्तूरबा को साथ नहीं रखोगे। आजम अवैसी बोले तो गद्दार, लेकिन अगर योगी शास्त्री महाराज और साधी मुस्लिमों के खिलाफ बोले तो देशभक्त। कांग्रेस का पूरा काला चिट्ठा दिखाने के लिए तैयार रहते हो, कांग्रेस ने ये नहीं किया वो नहीं किया, लेकिन तुम्हारी फर्जी डिग्री बताने में तुम्हें इतना तकलीफ होती है, खुद की डिग्री बताने में तुम चुप हो जाते हो। कांग्रेस भ्रष्ट है, कांग्रेस ये है ना कांग्रेस वो है, पूरे दिन आपके ये कांग्रेस के सुविचार आप फैलाते रहते हो, लेकिन अगर कोई कांग्रेसी नाराज होकर आपकी पार्टी में जुड़ जाए तो आपकी पार्टी में वो चरित्रवान हो जाता है। चोर सभी पार्टियां हैं लेकिन काला धन तो केवल बीजेपी पार्टी से ही मिला है। आपके कहने के मुताबिक चोर तो सभी पार्टियां हैं लेकिन काला धन केवल बीजेपी पार्टी से मिलता है। कांग्रेस ने 60 साल में कुछ नहीं किया, लेकिन जो राष्ट्रपति को बैठकर सीना तान कर 26 जनवरी और 15 अगस्त को झांकिया देखते हो ना सब, वो सब कांग्रेस ने ही किया है। आपके भक्त गाय के नाम पर दलितों को मारते हैं, आपके अंधे भक्त गाय के नाम पर, आपके गलत और झूठे हिंदू के नाम से गाय को मारते हैं, दलितों को मारते हैं और बीफ पर टैक्स छूटकर आप उसको बढ़ावा देते हो। जब सत्ता में नहीं थे तब आप बीफ निर्यात के ऊपर भाषण बड़े बड़े देते थे और लोगों में झगड़ा करवाते थे और कांग्रेस को भला बुरा कहते थे, आज वही बीफ निर्यात में आप भारत को अपने नंबर वन करते। कुल मिलाकर अगर गाय मंदिर हिंदू मुस्लिम जाति धर्म ऊंच नीच आदि निकाल दिया जाए तो इस पार्टी में, इस बीजेपी पार्टी में कुछ नहीं बचेगा। रेल किराया महंगा, रेल एक्सीडेंट, डीजल महंगा, पेट्रोल महंगा, महंगाई, कन्हैया कुमार, बेमूला, जाट, पटेल, दलित, गाय, नोटबंदी आदि के अलावा इस सरकार ने पिछले 3 सालों में कुछ भी नहीं किया है। यही तो कारण है कि आज जहां सारी पार्टियां विकास के नाम पर वोट मांग रही है, तब ये बीजेपी पार्टी दूसरी पार्टी को बदनाम करके, दूसरी पार्टी पे लांछन लगा के और हिंदू मुस्लिम के नाम पे और मंदिरों के नाम पे वोट मांग रही है। कल बोल देंगे कि राजकोट में बम बनाने का सामान मिला लेकिन किसने बनाया ये मिला नहीं। कल बोल देंगे कच्छ में आतंकवादी घुसे लेकिन अभी तक मिले नहीं है। बस ऐसे करते करते ही समय चला जाएगा और इलेक्शन आ जाएगा, फिर बोलोगे जय श्री कृष्ण।